बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा लिन लेशराम के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी की खूबसूरत फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। दोनों सेलेब्स का अनोखा लिबास और उनकी शादी की रस्में शादी की खास बात रही। रणदीप हुड्डा ने मणिपुर के अनोखे मैतेई रिवाज से शादी की, जिसकी फोटो सामने आने के बाद फैंस भी शादी की रस्म और रिवाज के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कैसे होती है मैतेई रिवाज में शादी और क्या है इसकी खासियत। रणदीप हुड्डा और एक्ट्रेस लिन लेशराम शादी ने मैतेई रिवाज से शादी की, जिसे 350 साल पुराना बताया जाता है। मैतेई रिवाज में जयमाला पहनाने के बाद दुल्हन दूल्हे को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। खास बात यह है, शादी में तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन वचन लेते हैं। साथ ही इस खास रस्म में दुल्हन के पिता भी दूल्हे की पूजा करते हैं। उसके बाद दुल्हन का परिवार दूल्हा और दुल्हन दोनों को गिफ्ट या पैसे देकर शगुन देते हैं। इसी तरह घर के बाकी सदस्य भी अलग अलग अंदाज में दूल्हा और दुल्हन का सम्मान करते हैं। बता दें, मैतेई रस्म में दूल्हा दुल्हन के लिए विशेष पोशाक को तैयार किया जाता है। शादी में यह दूल्हा पगड़ी के साथ सफ़ेद रंग का धोती कुर्ता पहनता है, तो वहीं दुल्हन सफ़ेद सुनहरे रंग की खूबसूरत ड्रेस तैयार की जाती है। वहीं रणदीप और लिन लेशराम की मणिपुरी शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं और फैंस दोनों की जोड़ी पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। कहा जाता है कि अब ये न्यूली वेड कपल हरियाणा लौटकर ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करेगा। हालांकि इस बारे में रणदीप और लिन की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।